दोस्तों नमस्कार। आप बार बार अगर प्रिंटर में एयर आने से परेशान हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर पहुँचे हुए हैं। आज के बाद आपको बिल्कुल भी एयर से कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप इसका बहुत आसानी से हल निकाल सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर दो तीन वीडियो पड़ी हुई हैं बिना खोले प्रिंटर से एयर निकालने की। कुछ लोगों ने कहा फ्रेंड्स कि हमारा ये सिस्टम जो है कार्य नहीं कर रहा है, और कुछ लोगों ने कहा कि सिस्टम बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। होता क्या है दोस्तों कि अगर हम आधी अधूरी जानकारी रखते हैं तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको जानना है और सीखना है तो वीडियो को ध्यान से धैर्यपूर्वक अच्छी तरह से देखें, जिससे आपको आगे से कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों ये मेथड जो है 100% वर्क करता है और आपके प्रिंटर में कोई भी समस्या इसके कारण उत्पन्न नहीं होगी और आपका प्रिंटर 100% ठीक हो जाएगा। दोस्तों मैं आपके भरोसे के लिए प्रिंटर ओपन करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको प्रिंटर खोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ये मेथड जो है बिना प्रिंटर खोले पूरी तरह से वर्क करता है। मैं प्रिंटर सिर्फ आपको दिखाने के उद्देश्य से खोल रहा हूँ, तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम प्रिंटर को ओपन करते हैं। दोस्तों मैंने प्रिंटर के चारों स्क्रू पहले से ही निकाल के रख लिए हैं ताकि आपको अधिक समय न देना पड़े और आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। ये वीडियो मात्र दोस्तों आप लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए बना रहा हूँ। अगर आप अन्य वीडियो हमारी विस्तार से देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों जो आप प्यार और स्नेह हमारी वीडियो पे दे रहे हैं उसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। तो दोस्तों मैंने ये प्रिंटर का स्कैनर ओपन कर दिया है, आप देख सकते हैं प्रिंटर में हमारे प्रिंटर की पाइप में एयर आ चुकी है। दोस्तों आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्रिंटर की तीनों पाइपों में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे एयर आ चुकी है, और इसको हम अभी आपके सामने रिमूव करेंगे। आपको प्रिंटर खोलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये केवल मैं आपको दिखाने के लिए ओपन किया हूँ प्रिंटर। ये दोस्तों बिना प्रिंटर खोले ही एयर आपकी इस मेथड से बाहर निकल जाएगी और आप इस टूल को बना के हमेशा के लिए रख भी सकते हैं। तो दोस्तों हमारी अन्य वीडियो में इस टूल को बनाना भी बताया गया है, आप वो वीडियो जाके। अब दोस्तों अगला हम काम करेंगे कि प्रिंट हेड को हम बीचों बीच सेंटर में लाएंगे जहाँ से हम कार्टेज को बाहर निकालते हैं। ये देखिए दोस्तों हम प्रिंट हेड को सेंटर में रख लिया है। अब दोस्तों हम कार्टेज के नीचे एक कागज़ की स्ट्रिप लगा देंगे ताकि हमको मालूम हो सके कि हमारी इंक बाहर निकली है या नहीं निकली है। तो दोस्तों ये मैंने कागज़ का टुकड़ा लगा दिया है। चलिए अब हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अपने टूल को इंक टैंक में लगाते हैं। और इसको लगाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको प्रिंटर से कैप निकालनी होगी। दोस्तों इस प्रिंटर के अंदर एक दूसरी कैप लगी होती है, आप देख पा रहे होंगे इस पर एक मार्क लगा होता है। इस मार्क में आप निडिल डाल करके इस दूसरी कैप को बाहर निकाल सकते हैं। हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन दोस्तों ये कैप आप आसानी से निकाल पाएंगे अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे। ये देखिए दोस्तों इसके नीचे ये सफ़ेद सा भाग लगा हुआ है, दोस्तों ये फिल्टर इसका होता है जिससे एयर फिल्टर होकर के हमारे इंक टैंक में प्रवेश करती है। चलिए दोस्तों अब इस कैप में हम अपने टूल को प्रॉपर तरीके से फिक्स करेंगे। दोस्तों इस तरह से इसको हम फिक्स करेंगे ताकि हमारी एयर बिल्कुल यहाँ से बाहर ना निकले। तो दोस्तों मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से लगा दिया है, अब इसको हम अपने प्रिंटर के इंक टैंक में लगा देंगे। दोस्तों ये मैंने कैप लगा दी है, अब दोस्तों हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आपको हमारी तीनों पाइपों में एयर नज़र आ रही होगी। अब दोस्तों हम एयर का प्रेशर दे रहे हैं, हमारा जो टूल है वो मैजेंटा इंक में लगा हुआ है
आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनको भागते हुए, जब हम प्रेशर दे रहे हैं तो ये आगे को बढ़ रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात और गौर करने वाली है, आप देख पा रहे होंगे कि जब हम प्रेशर को छोड़ते हैं यानी बोतल का दबाव हटाते हैं तो हमारी इंक फिर से बैक टैंक में आने लगती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब हमारी इंक पूरी प्रिंट हेड तक पहुंच जाए, यानी कि हमारा जब नीचे जो कागज़ का टुकड़ा लगा हुआ है वो जब गीला हो जाए, उस समय तक आपको प्रेशर को बिल्कुल भी रिलीज नहीं करना, यानी कि छोड़ना आपको बिल्कुल नहीं है। सब प्रेशर छोड़ने से पहले आपको इंक टैंक की कैप को निकाल देना है ताकि हमारी इंक वापस टैंक को ना जाए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, मैं फिर से प्रेशर देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि हाँ, ये प्रक्रिया 100% वर्क करती है। अब दोस्तों, पहले हम इंक टैंक की कैप को हटा देंगे, उसके बाद हम प्रेशर को रिलीज करेंगे। इंक हमारी दोस्तों बाहर आ चुकी है, हम अभी आपको दिखाते हैं। आपने वीडियो बहुत प्यार से देखी, आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे